प्लीज। इन्हें जानते हो? ऑफ कोर्स यस, ये हमारी टीचर है मिस सवी ठक्कर। अभी हमारी टीचर नहीं है, ये सस्पेंड हो गई है। ये मुझे लेक्चर दे रही थी ना, एटिकेट सिखा रही थी, जब खुद जेल से होकर आई है। सभी टीचर सही। तूने परी मम्मा कहकर बुलाती है ना, ये कोई तेरी मम्मा मामा नहीं है। और आज सवी अपना हाथ फैलाकर बैठी है ताकि सई उसके पास आ जाए, जो आज खड़ी है कियान की बातें सुनकर देख रही है सवी की ओर, जो उसे सबसे ज्यादा ममता दी है हमेशा। क्या सई आएगी सबको छोड़कर सवी के पास? सही कहाँ जा रही हो तुम? सुना नहीं तुमने? यू हैव बीन सस्पेंडेड। तुम्हारा स्कूल में रहना हम सबके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि सबका उस पर क्या असर पड़ेगा? रियली? जब अपनी कॉलीग को ब्लैकमेल कर रही थी तब नहीं सोचा था तुमने ये सब? और हाँ, जो बच्ची अभी अभी तुमसे डर के यहां से भागी है ना, वो मेरी बेटी है, जैसे तुमने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। और आज वाकई में सवी अकेली ही रह गई, जिन सब के लिए वो जिया करती थी आज कोई नहीं उसके आंसू तक पोंछने के लिए। लेकिन अब उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया, इसीलिए तो वो तुमसे भाग रही है। देखो, अच्छा यही होगा कि तुम उससे और स्कूल के हर बच्चे से खुश। अपनी बेटी से तो मैं मिलके ही जाऊंगी, उससे मिले बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मुझे बस एक बार अपनी बच्ची से मिलना है, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। नहीं मिल सकती हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी क्रिमिनल के आसपास भी रहें? और अब एक और नाम जुड़ गया आप सभी के नाम के पीछे, जो आशका ने दिया है, क्रिमिनल। मैम प्लीज, कम से कम आप तो समझिए, आप तो मुझे जानती है ना, मैं सब कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे बस एक बार अपनी बच्ची से मिलना है। सॉरी सवी, तुम सस्पेंड हो चुकी हो और स्कूल के अंदर जाके किसी भी बच्चे से मिलने का परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पर किसी को भी अंदाजा नहीं कि सई के दिल पर क्या बीत रही है इस वक्त। सही, ओपन द डोर। सही बेटा, क्या हो गया? सही, दरवाजा खोलो बेटा। पर सही अपने आप को बंद कर लेती है, रोते जाती है वॉशरूम में
और वहीं सभी अकेले एक बेजान औरत की तरह आज सड़कों पर चल रही है। सारी सुत-बुत खोकर आज उसे पता चला कि कोई किसी का भी नहीं होता। चाहे आप जितना भी किसी के लिए कर दो, पर फिर भी इंसान तो अकेला ही रहता है हमेशा। सारे बंधन रिश्ते शायद झूठे ही होते हैं। अभी हमारी टीचर नहीं है, ये सस्पेंड हो गई है। और वहीं अब घर पर बैठी सभी के दिमाग में सिर्फ सई की याद सताती है उसे। और तारा जल्दी दरवाजा खोल, सई का बुखार बढ़ रहा है। सई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सई से मिलना। खबरदार जो इस घर के अंदर कदम भी रखा तो। तारा ये क्या कर रही है? तू घर में क्या कर रही है? निकल बाहर। मम्मी जी मुझे बस एक बार सई से मिलना है प्लीज। मेरे घर को बर्बाद किया तूने, अब बस और इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। मम्मी प्लीज एक बार सही, मुझे एक बार सही से मिलने दो प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मुझे अपनी बच्ची से मिलने। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए हूँ मैं किसी के प्यार की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं उससे शायद आपका भी दिल दहल तो जाएगा।